हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल रूही एडुकेटर पे आप लोगों का बहुत वेलकम है फ्रेंड्स। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो मेरा चैनल है वो DSSB नेचुरल साइंस की और PGT TGT KVS NVS UP और बायोलॉजी जितने भी एग्ज़ाम्स हैं वो सारा कवर करता है। और इसमें मैंने बायोलॉजी के बहुत सारे लेक्चर्स पहले से अपलोड कर रखे हैं। और जो लोग भी मेरे जो न्यू सब्सक्राइबर हैं और जो भी न्यू लोग जो ग्रुप पे ऐड हुए हैं, फेसबुक का मेरा एक ग्रुप है, और भी लोग जिनको भी रिक्वायरमेंट है, जो भी पढ़ना चाहते हैं, प्रिपरेशन करना चाहते हैं, वो भी जुड़ जाइए। उन सभी लोगों का वेलकम है। और फ्रेंड, चलिए आज जो मैं टॉपिक लेकर के आई हूँ वो इनहेरिटेंस ऑफ जीन एंड साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का टॉपिक है। और इसके पहले हम लोग मेंडलिज्म कर चुके हैं इस चैप्टर से, और क्रोमोसोम्स एंड जीन्स भी कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन अभी इसमें बहुत सारे टॉपिक्स बचे हुए हैं। तो फ्रेंड्स, बने रहिएगा और टॉपिक्स को कवर करते रहिएगा। चलिए, आज जो पहला क्वेश्चन है वो है, इन शॉर्ट हॉर्न कैटल जीन्स फॉर रेड R1 एंड वाइट R2 कोट कलर अकर्स, क्रॉसेस बिटवीन रेड R1 R2 एंड वाइट R2 प्रोड्यूस्ड R1 R2 रोन, दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन है वो है ए कम्प्लीमेंट्री, बी एपिस्टेसिस, सी है को डोमिनेंस एंड डी है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और इसी क्वेश्चन को जो है अब हम यहाँ पे इसका आंसर सबसे पहले देख लेते हैं, और सबसे पहले आंसर देखेंगे फिर उसके बाद हम इसको एक्सप्लेन भी करेंगे। तो जो टू जो हमारे पास यहाँ पे वन है उसका जो सी है यानी कि को डोमिनेंस है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो देखिए फ्रेंड, जो जब हम लोग पढ़ते हैं तो जब भी मेंडल्स के लॉ पढ़ते हैं तो मेंडल्स के लॉ जो हैं वो मैंने आपसे डिस्कस कर लिए थे, लेकिन उसके बाद जो है मेंडल्स के लॉ के कुछ डेविएशंस भी हैं फ्रेंड। तो जो डेविएशंस हैं, जैसे कि जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, तो इसमें क्या हुआ था, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में एक रेड कलर फ्लावर था एंड एक वाइट कलर फ्लावर था, जो पेरेंट थे वो रेड एंड वाइट थे, और जब उनका क्रॉस कराया गया था तो जो F1 जनरेशन थी उसमें आपने देखा था कि कौन सा फ्लावर था, वो पिंक कलर के फ्लावर्स मिले थे। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे क्या हो गया था, जो रेड कलर था जो कि डोमिनेंट था वो अपने आप को पूरी तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाया था, और जो हमारे पास जो फ्लावर मिला था वो कौन सा मिला था, वो पिंक कलर का फ्लावर मिला था। तो अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग कोडोमिनेंस की बात करें तो कोडोमिनेंस में क्या होगा फ्रेंड, जो कोडोमिनेंस है तो उसमें जो दोनों कैरेक्टर्स होंगे यानी कि जो डोमिनेंट और रिसेसिव जो दो कैरेक्टर्स होंगे वो दोनों ही अपने आप को एक साथ एक्सप्रेस कर पाते हैं। तो इस तरीके से ये जो आपका जो कोडोमिनेंस होता है उसमें दोनों ही कैरेक्टर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स जो हैं वो क्या होते हैं, जो कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स होते हैं फ्रेंड उसमें ये होता ये है कि देखिए जब जो है टू वाइट वैरायटी जो स्वीट पी लिथायरस ओडोरेटस होता है उस पर एक्सपेरिमेंट किया गया था कि जब दो वाइट वैरायटी जो थी उनको लिया गया, और ये जो वाइट वैरायटी होती है वो क्या करती है, वो जो है इंडिपेंडेंटली जो है कंट्रोल करती है और जो टू डिफरेंट जीन्स होते हैं उनको। तो अब देखिए होता क्या है कि जब इनको क्रॉस किया गया पर्पल फ्लावर से, यानी कि वाइट फ्लावर को पर्पल फ्लावर से जब क्रॉस किया गया तो F1 जनरेशन में, तो उनको जो रिजल्ट मिला तो फिर क्या हुआ, फिर जो है जो हाइब्रिड्स मिले उसको सेल्फिंग की गई, तो जो डाई हाइब्रिड में F2 का जो रेशियो आया उसमें पर्पल जो है वो 9 मिले थे और वाइट जो थे वो 7 थे। ओके, तो इस तरीके से जो रेशियो मिला था यहाँ पे अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री के लिए बात करें तो 9:7 का जो रेशियो मिला था। ओके, अब यहाँ पे देखिए जो डोमिनेंट जीन होता है, जो डोमिनेंट जीन होता है उसका जो एंजाइम होता है वो क्या करता है, वो जो फ्लावर के पिगमेंट होते हैं उनको कन्वर्ट कर देता है। तो इस तरीके से यहाँ पे एक रिएक्शन हो जाती है कलर के लिए। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए जो एपिस्टेसिस है वो क्या होता है, तो देखिए एपिस्टेसिस में क्या होता है, एपिस्टेसिस के पहले मैं आपको एक डुप्लीकेट जीन के बारे में भी बता दूं। यहीं पे देखिए जो डुप्लीकेट जीन्स होते हैं वो क्या होते हैं कि इसमें जो है टू या मोर इंडिपेंडेंट जीन्स होते हैं वो पाए जाते हैं, और ये डिफरेंट डिफरेंट क्रोमोसोम्स पर पाए जाते हैं, और ये क्या करते हैं, ये नियरली जो है सेम टाइप के फिनोटाइप वो प्रोड्यूस करते हैं डोमिनेंट स्टेज में। ओके, तो इस तरीके से जो डोमिनेंट स्टेज होती है वो ज़्यादा एबेंडेंट होती है। अब एपिस्टेसिस भी पढ़ लेते हैं। देखिए एपिस्टेसिस में क्या होता है कि जो ये जो फिनोमेना होता है इसमें जो फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन, यानी फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन मतलब जो हम देख सकते हैं सामने से, वो जो एक्सप्रेशन होते हैं वो दब जाते हैं, उनका सप्रेशन हो जाता है। ठीक है, और जो है किस कैसे ये सप्रेस हो जाता है, ये जो है एक नॉन एलिलिक जीन से सप्रेस हो जाता है, और ये जो है अपना अलग ही इफेक्ट एक दिखाता है।
रहा है। ओके, तो अब यहाँ पे मैं बता देती हूँ, ये नॉन एलिलिक जीन जो होते हैं इनसे सप्रेस होता है, नॉन एलिलिक जीन से सप्रेस हो जाता है और इनका अपना खुद का एक इफ़ेक्ट हो जाता है, यानी कि ये ओन इफेक्ट शो करता है अपना। तो अब देखिए होता क्या है, जब ये अब आगे जो जीन होता है वो क्या करता है, वो मास्क कर देता है, जैसे कि मास्क करके हम किसी चीज़ को बचा लेते हैं ना, वैसे ही मास्किंग कर देता है। तो ये जो जीन होता है ये एक दूसरे वाले जीन के इफ़ेक्ट को मास्क कर देता है और इसको कहते हैं एपिस्टेटिक जीन, और इस जीन को कहते हैं एपिस्टेटिक जीन, जो मास्क करता है, बचाता है, जो बच जाता है वो कहता है उसको जो है एपिस्टेटिक जीन कहते हैं, और वो जो सप्रेस हो जाता है, ठीक है, जो सप्रेस्ड हो जाता है उसको हाइपोस्टेटिक जीन कहते हैं, जो दब चुका है उसको जो है वो हाइपोस्टेटिक कहेंगे, जो दबा रहा है उसको एपिस्टेटिक कहेंगे। ओके, तो इस तरीके से जो है आपको एपिस्टेटिस भी पता चल गया। अच्छा, यहाँ पे जो रेशियो मिला था F1 F2 में, जो एपिस्टेटिस जब हमने पढ़ा और उसमें जो रेशियो मिला, तो उसमें क्या मिला, इसमें जो है 12:3:1 का रेशियो मिला था। तो यहाँ पे देखिए जो रेशियो मिला था वो मिला था 12:3:1 का रेशियो मिला था। ओके, तो चलिए अब यहाँ पे हम लोग आगे डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन 2 है, दी जीन इंटरैक्शन व्हेन वन जीन मास्क द इफेक्ट। तो अब यहाँ पे फिर से वही वाला आ गया जो एपिस्टेटिस मैंने अभी एक्सप्लेन कर दिया है। उसके कह रहे हैं कि जो जीन इंटरैक्शन, ऐसा जीन इंटरैक्शन जिसमें एक जीन जो है वो दूसरे के इफेक्ट को मास्क कर देता है, फिर इसी को दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है कि व्हेन अ जीन पेयर हाइड्स द इफेक्ट ऑफ द अनदर, कि जब कोई भी एक जीन का पेयर दूसरे के इफेक्ट को हाइड कर देता है, द फिनोमेना इज कॉल्ड, तो ऐसे फिनोमेना को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पहले ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन जो है हमारे पास ए है कॉम्प्लीमेंट्री जीन एक्शन, बी है सप्लीमेंट्री जीन एक्शन, सी डुप्लीकेट जीन एक्शन और डी है एपिस्टेसिस। तो यहाँ पे जो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड, कंप्लीट डोमिनेंस इज एब्सेंट इन, तो कंप्लीट डोमिनेंस इज एब्सेंट इन ऑप्शन ए है पाइसम सटाइवन, बी है मिराबिलिस जलापा एंड सी है लेथायरस ओडोरेटस एंड डी है ऑयनोथोरा लेमार्कियाना। तो यहाँ पे देखिए कंप्लीट डोमिनेंस किस में एब्सेंट होगी, तो क्वेश्चन जो हमारा जो थर्ड वाला है उसका जो बी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड, क्योंकि अभी जो मैंने आपको जो रेड फ्लावर और वाइट फ्लावर का बताया था, जो रेड है और रेड फ्लावर का जब भी वाइट फ्लावर के साथ क्रॉस करते हैं, तो ऐसे तो मेंडल के अकॉर्डिंग पहली जनरेशन में रेड कलर जो था वो डोमिनेंट है, वो डोमिनेंट कलर है और वो वाइट को दबा देना चाहिए था। लेकिन जो पहली जनरेशन में जो फ्लावर मिले थे इन दोनों के क्रॉस करने पर फ्रेंड, वो कौन से फ्लावर मिल गए थे, पिंक थे। इसका मतलब कि ये कंप्लीट डोमिनेंस शो नहीं कर रहा है, ये कौन सा डोमिनेंस शो कर रहा है, ये शो कर रहा है, ये जो शो कर रहा है ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो कर रहा है। और मिलाबिले जलापा ही वो फ्लावर था, वो प्लांट था जिसके फ्लावर पे ये एक्सपेरिमेंट किया गया था। और वैसे भी अगर आप रेड कलर और वाइट कलर को मिक्स कर दोगे तो कौन सा कलर बन जाता है, पिंक कलर बन जाता है। नेक्स्ट जो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे फोर्थ वाला देखते हैं। The F2 generation offspring in a plant showing incomplete dominance exhibit, कह रहे हैं कि F2 generation की जो offspring है किसी plant में वो क्या show कर रही है, incomplete dominance को show कर रही है। अब यहाँ पे option देख लीजिए, exhibit वो क्या exhibit करेगी, A variable genotype टाइपिक एंड फिनोटाइपिक रेशियोज, बी अ जीनोटाइपिक रेशियो ऑफ 1:1, सी अ फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ 3:1 एंड डी सिमिलर फिनोटाइपिक रेशियो एंड जीनोटाइपिक रेशियो ऑफ 1:2:1। तो यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ का वो डी हो जाएगा, कि सिमिलर फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक रेशियोज ऑफ 1:2:1। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, यहाँ पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस का जो रेशियो पूछा जाता है, और आपको ये याद रखना है कि जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस होती है उसमें जीनोटाइप और फिनोटाइपिक का जो रेशियो होता है वो सेम होता है और वो 1:2:1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फिफ्थ वाला, दी फिनोटाइपिक रेशियो ऑब्टेंड इन क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस ऑफ अ डाई हाइब्रिड क्रॉस इज, कि अब फिनोटाइपिक रेशियो जो है पूछा जा रहा है, जब क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस होती है किसी, जब डाई हाइब्रिड क्रॉस कराते हैं और क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस का जो रेशियो होता है वो भी फिनोटाइपिक रेशियो पूछा जा रहा है। अब या तो और करके इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है, इन अ क्रॉस बिटवीन रेड कर्नेल्ड एंड वाइट कर्नेल्ड वेराइटीज ऑफ वीट,
कि वबीट की कर्नल जो होती है, जो उसमें वाइट को और रेड कर्नल को दोनों को क्रॉस कराया जाता है वैरायटी को, तो अब क्या होता है, शोइंग पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस द फिनोटाइपिक रेशियो इन एफ टू जनरेशन विल बी, और ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस शो करता है क्रॉस कराने के बाद, तो पूछा जा रहा है कि एफ टू जनरेशन में जो फिनोटाइपिक रेशियो होगा वो क्या होगा। तो देखिए उस फिनोटाइपिक रेशियो के बारे में बात करते हैं। ए है 1:1, 1:2:1, बी है 1:4:6:4:1, सी 1:6:15:20:15:16:1, फिर 9 है 9:3:3:1। तो अब यहाँ पे जो रेशियो मिला हमारे पास जो 5 का, वो कौन सा मिल गया, वो 5 का बी रेशियो हमारे पास मिल गया, यानी कि 1:4:6:4:1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे अब लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर से क्वेश्चन आ गया है। तो देखिए यहाँ पे लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर में देख लेते हैं। कपलिंग एंड रिपल्शन आर द टू फेसेस ऑफ ऑप्शन ए क्रॉसिंग ओवर एंड बी लिंकेज, सी कैजमाटा एंड डी है म्यूटेशन। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पर हमारे पास जो हमारे पास ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो बिल्कुल बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो कपलिंग और रिपल्शन है वो हमें कहाँ पे देखने को मिलेगा, वो हमें लिंकेज में देखने को मिल जाएगा। तो देखिए फ्रेंड लिंकेज की बात मैंने अपने लास्ट लेक्चर में भी की है, जो मैंने पढ़ाया है, और उसमें भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। और लिंकेज में मैंने बताया था कि जो दो जीन होते हैं या मोर जीन होते हैं वो क्या होते हैं, वो लिंक्ड हो जाते हैं, दूसरे के पास आ जाते हैं, और जितना ही ज़्यादा लिंकेज होगा यानी कि डिस्टेंस जो होगी वो जीन्स के बीच की वो कम होगी, और उतना ही कम रिकॉम्बिनेशन होगा। ओके, जितना ही ज़्यादा लिंकेज है और जीन्स की पॉसिबिलिटी रिकॉम्बिनेशन होने की उतनी ही कम होगी। तो अब देखिए यहाँ पे मैंने फिर आपको क्रॉसिंग ओवर के बारे में भी बताया था। चलिए अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं आगे का जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर अकर्स इन दी। अब यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर अकर्स इन दी पूछा है कि क्रॉसिंग ओवर किस में होती है। तो यहाँ पे हमारे पास टू वाला सिंगल क्रॉस ओवर अकर्स इन दी ऑप्शन ए लेप्टोटिन स्टेज, बी पैकेटिन स्टेज, सी एनाफेज स्टेज एंड डी है डाइकाइनेसिस स्टेज। तो देखिए यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर पूछा गया है कि किस में होती है। तो अब यहाँ पे आपको बहुत ये फेमस है और अच्छा क्वेश्चन है, और इसको मैं स्टार देना चाहूँगी, ये मेरा स्टार क्वेश्चन है कि ये जो अक्सर ही पूछा जाता है। तो देखिए जो क्रॉसिंग ओवर होती है वो पैकेटिन स्टेज में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास लिंकेज वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन, लिंकेज जो है वो सबसे पहले किस में ऑब्जर्व हुआ था। ऑप्शन ए फील्ड पी, बी स्वीट पी, सी पी एंड डी है ग्रास पी। तो देखिए यहाँ पे ये जो लिंकेज है वो सबसे पहले किस में हुआ था, ये जो है स्वीट पी यानी लथारस ओडोराटस में ऑब्जर्व किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्याजमेटा वाला, क्याजमा शोज दी साइट्स ऑफ। तो अब यहाँ पे क्याज्मा जो होता है, क्याज्मेटा फॉर्मेशन, वो अपने मियोसिस में पड़ा होगा। ए है स्पिंडल फॉर्मेशन, बी सिनाप्सिस, सी क्रॉसिंग ओवर एंड डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए यहाँ पे जो 4 है उसका हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 4 का हमारे पास सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि क्रॉसिंग ओवर। क्याज्मा जो है वो क्रॉसिंग ओवर की साइड शो करता है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स एंड द परसेंटेज ऑफ द रिकॉम्बिनेशन शोज। ऑप्शन ए अ डायरेक्ट रिलेशनशिप, बी एन इनवर्स रिलेशनशिप, सी अ पैरेलल रिलेशनशिप, डी नो रिलेशनशिप। तो देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि जीन्स के बीच की डिस्टेंस और जो रिकॉम्बिनेशन का जो परसेंटेज है उसमें कैसा संबंध है। तो अभी मैंने इसके बारे में बताया ही है फ्रेंड, और लेकिन फिर भी देखिए ए क्या है, ये है डायरेक्ट रिलेशनशिप। ओके, नाउ नेक्स्ट यहाँ पे हम 6th क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 6th में है हमारे पास डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू जीन्स विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज क्रॉस ओवर विल वेरी फ्रॉम। कह रहे हैं कि अगर जो है जब डिस्टेंस जो दो जीन्स होते हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है और जो उसके बीच का जो संबंध होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसकी लिंकेज के स्ट्रेंथ के, तो क्रॉस ओवर जो होते हैं वो कैसे वैरी करते हैं। तो क्रॉस ओवर विल वैरी फ्रॉम ऑप्शन ए है 50-100%, बी 0-50%, सी 75-100% एंड डी है 100-150%। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पे जो हमारे पास जो क्वेश्चन है 6 वाला उसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो बी आपको याद कर लेना है कि ये 0-50% वैरी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आ जाते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आ जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे 7th वाला, 7th है यहाँ पे फॉर द प्रिपरेशन ऑफ जेनेटिक मैप्स द रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसीज बिटवीन जीन्स आर एडिटिव ओवर शॉर्ट डिस्टेंसेज बट नॉट ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज ड्यू टू।
ठीक है। तो यहाँ पे ये पूछा जा रहा है, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि जब हम लोग जेनेटिक मैप्स की प्रिपरेशन करते हैं तो जो रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसीज होती हैं जीन्स के बीच की वो क्या होती हैं, वो शॉर्ट डिस्टेंसेज के लिए एडिटिव होती हैं लेकिन लॉन्ग डिस्टेंसेज के लिए नहीं होती हैं, ऐसा क्यों होता है। ऑप्शन ए है मल्टीपल क्रॉस ओवर, बी लेथल म्यूटेशन, सी एपिस्टेसिस एंड डी है सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स की वजह से। तो यहाँ पर जो हमारे पास सेवन्थ वाला है उसका जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल करेक्ट हो चुका है। क्यों? क्योंकि मल्टीपल क्रॉस ओवर जब होते हैं तभी ऐसी सिचुएशन अराइज होती है। नेक्स्ट है हमारे पास एट्थ। अब एट्थ में देखिए क्या है, द फिगर शोज अ होमोलोगस बाइवैलेंट पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग मियोसिस। ओके, अब यहाँ पे फिगर बेस्ड क्वेश्चन एक दिया हुआ है कि ये पूछा जा रहा है कि जो फिगर है वो क्या शो कर रहा है, एक होमोलोगस बाइवैलेंट पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स का को दिखा रहा है और ये आप बनते कब हैं, ये मियोसिस में बनते हैं तो ये मियोसिस का प्रोसेस है। अब देखिए यहाँ पर आप ये डायग्राम बिल्कुल देख लीजिए अच्छे से कि ये क्या है। यहाँ पे देखिए R, S, T, उसके बाद फिर यहाँ पे R है, देन उसके बाद S है, T है। तो यहाँ पे देखिए जो क्रोमोसोम्स हैं इनको देखिए और जो है बीच में आपको किस तरीके का स्ट्रक्चर बन रहा है, यहाँ पे क्या चीज़ हो रही, क्या घटना हो रही है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली इलस्ट्रेट्स द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द सेकेंड मियोटिक डिवीजन। अब देखिए यहाँ पे फ्रेंड, अब यहाँ पे बताया है कि जब ये इस तरीके का होगा, अब आपको पता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कैजमेटा के पॉइंट पे क्या हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये आप समझिए इस चीज़ को। उसके बाद फिर यहाँ पे ए ऑफ ए पिक्चर दिया हुआ है कि क्या ये ऐसा बन जाएगा, उसके बाद फिर आपकी बी दिया हुआ है और फिर सी है, फिर डी है। तो देखिए यहाँ पे जब आप इसको देखेंगे एट्थ वाले को तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन मिल जाएगा वो कौन सा मिल जाएगा, वो एट्थ का सी मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे किस तरीके से चीज़ें हुई हैं, यहाँ पे आप इसको देख करके समझ लीजिए इस वाले को, ठीक है। और यहाँ पे क्या चीज़ एक्सचेंज हो गई है, जो स्मॉल एस है वो देखिए यहाँ पे सेकंड नंबर पे आ गया, फिर थर्ड नंबर पे कैपिटल एस है, फिर स्मॉल एस आ गया। यहाँ पर भी देख, यहाँ पे कैसा था क्वेश्चन में, कैसा था कि पहले एस था, कैपिटल एस, एस फिर कैपिटल एस था, फिर स्मॉल एस था, फिर स्मॉल एस था नीचे। तो इस तरीके से जब वो हो गया स्ट्रक्चर तो अब आप लोग इससे समझ लीजिए। नाउ अब नेक्स्ट हम यहाँ हमारे पास जो हम लोग करेंगे वो है नाइन्थ वाला, ऑल जीन्स लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम्स। ओके, सभी जो जीन्स होते हैं वो जो है वो सेम क्रोमोसोम्स पे लोकेटेड हैं। अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन क्या है, फॉर्म डिफरेंट ग्रुप्स डिपेंडिंग अपॉन देयर रिलेटिव डिस्टेंस। वो डिफरेंट ग्रुप्स फॉर्म करते हैं उनकी, और ये किस पर डिपेंड करता है, ये उसकी रिलेटिव डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। फिर क्या है कि फॉर्म वन लिंकेज ग्रुप की, ये एक लिंकेज ग्रुप फॉर्म करते हैं, जब एक साथ सभी जीन्स एक क्रोमोसोम्स पर होते हैं तो वो लिंकेज ग्रुप फॉर्म कर लेते हैं। फिर सी है विल नॉट फॉर्म एनी लिंकेज ग्रुप, कि वो कोई भी लिंकेज ग्रुप फॉर्म नहीं करेंगे। डी है फॉर्म इंटरैक्टिव ग्रुप्स दैट अफेक्ट्स द फिनोटाइप, कि वो इंटरैक्टिव ग्रुप फॉर्म करेंगे और जो फिनोटाइप को इफेक्ट करता है या प्रभावित करता है। अब नाइन्थ वाला यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा वो बी हो जाएगा, ठीक है, कि ये क्या करते हैं, ये एक लिंकेज ग्रुप फॉर्म कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो आएगा वो मल्टीपल एलिलिज्म से आ जाएगा। अब मल्टीपल एलिलिज्म में देख लेते हैं क्या होगा। पहला जो है हमारे पास फर्स्ट वाला ये है इन ह्यूमन हाइट शोज अ लॉट ऑफ वेरिएशंस, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। कह रहे हैं कि जो ह्यूमन की हाइट है वो बहुत सारे वेरिएशन शो करती है, ये किसका एग्जाम्पल है। देखिए आपने देखा होगा पॉपुलेशन में कोई बहुत टॉल होता है, कोई जो है वो बीच का एवरेज हाइट का होता है, और कोई जो होते हैं कुछ आपको डॉग्स भी देखने को मिल जाते हैं पॉपुलेशन में। तो इसी पे पूछा गया है कि ये किस लिए होता है, ऐसा क्या चीज़ होती है जिसकी वजह से ये सब चीज़ें कॉज होती हैं। तो ऑप्शन ए है हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल एलील्स, एंड ऑप्शन बी है प्लियोट्रॉपिक इनहेरिटेंस, सी है पॉलीजेनिक या क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस, एंड डी है स्यूडो एलील्स। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पे जो आपका मल्टीपल एलिज्म होता है वो कैसे, जैसे कि कुछ एग्जांपल हैं इनके, मैं आपको पहले वो शेयर कर देती हूँ आपके साथ। देखिए जो कोट का कलर होता है, ओके, जैसे रैबिट में अगर हम देखें तो आपने बहुत कलर के देखे होंगे, तो ये जो होता है मल्टीपल एलिज्म का एग्जांपल होता है। ओके, तो इसमें क्या होता है, जैसे कि अगर फुली कलर्ड बॉडी होती है तो उसको एगोटी भी बोलते हैं। यहाँ पे मैं बता दे रही हूँ आपको, नोट कर लीजिए, इसको लिए एक टर्म और यूज़ किया जाता है एगोटी।
ओके और जो है आपका अगर यूनिफॉर्म लाइट ग्रे पैटर्न होता है, ठीक है, और एक हिमालयन पैटर्न होता है जिसमें पूरी बॉडी वाइट होती है, एक्सट्रीमिटीज़ जो होती हैं उनकी, जो ईयर वगैरह होते हैं वो सब वाइट होते हैं, फिर एल्बिनो भी होता है, तो इस तरीके से होता है। उसके बाद जो ड्रोसोफिला है उसमें जो आई का कलर है, ठीक है, वो भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अगर ये आ जाए आपको मल्टीपल एलिज्म के एग्जाम्पल में पूछा जाए, तो जो ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई होती है, ड्रोसोफिला इसका आई कलर है, ड्रोसोफिला आई कलर आप इसमें लिख सकते हैं एग्जाम्पल में, ओके। और इसका जो एग्ज़ाम्पल है आपने जो हमारा जो ए बी ओ ब्लड ग्रुप होता है, ओके, ए बी ओ ब्लड ग्रुप, ए बी ओ ब्लड ग्रुप जो है हमारे पास, वो किसका, वो भी मल्टीपल एलिज्म का ही एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है वो, ओके। तो अब देखिए यहाँ पे आपने इतनी सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, तो मतलब आपके पास कितने एग्जाम्पल्स हो गए, 3 एग्जाम्पल्स मैंने बता दिए हैं। तो अब यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन है उसमें देख लेते हैं कौन सा करेक्ट हो जाएगा। तो जो 1 है उसका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये जो होता है ये क्या होता है, ये पॉलीजेनिक क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस में आता है, ओके, ये पॉलीजेनिक क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस में ही आएगा, उसमें ही आप इसको स्टडी करेंगे। अच्छा फ्रेंड, मैं आपको यहाँ पे जो है थोड़ा सा बताना चाहती हूँ, इसमें एक ये तो पॉलीजेनिक है और पॉलीप्लॉयडी के बारे में बताना चाहती हूँ। तो देखिए पॉलीप्लॉयडी भी समझ लीजिएगा क्या होता है, इसमें होता ये है कि जो आपका जो क्रोमोसोम्स के सेट्स होते हैं या जिनको हम लोग जीनोम कहते हैं, ओके, तो 2 या 2 से ज़्यादा जो क्रोमोसोम्स के सेट होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, और जिसको हम लोग 3n ट्रिप्लॉयड कहते हैं, ओके, 3n ट्रिप्लॉयड भी बोलते हैं, और आपका इसमें 4n भी होता है, ओके, जिसको हम लोग टेट्राप्लॉयड भी बोलते हैं, ये मैं पॉलीप्लॉयडी के लिए बता रही हूँ, टेट्राप्लॉयड भी बोलते हैं, और अगर 5n होता है तो इसको हम लोग पेंटाप्लॉयड भी बोलते हैं, ठीक है, इस तरीके से होता है, पेंटाप्लॉयड भी होता है। तो अब यहाँ पे अगर हम लोग जो वेजिटेटिवली प्रोपगेटेड प्लांट्स होते हैं, जैसे कि आपके बनाना है, पाइनएप्पल है, इसमें आपको देखने को मिल जाएगी, ओके, बनाना और पाइनएप्पल, इसको आप लोग लर्न कर सकते हैं, पाइनएप्पल इसमें देखने को मिल जाएगी आपको। और ये जो है क्या होता है, जब स्पिंडल का डेवलपमेंट नहीं होता है उसके कारण से डेवलप हो सकती है, यानी कि स्पिंडल डेवलपमेंट फेल हो गया है, या तो फिर मियोसिस 1 में फेल हो गया है, मियोसिस 1 ठीक से नहीं हुई है, तो ये पॉलीप्लॉयडी बन जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसके 2 कॉज भी हैं आपके पास। तो चलिए अब यहाँ पे जो मैंने प्लांट का जब पढ़ाया हुआ था तो उसमें मैंने बताया था जो पॉलीप्लॉयडी होती है वो आपकी जो है कॉल्चिसिन जो होती है वो पॉलीप्लॉयडी कॉज करती है, ये भी मैंने बताया था, ठीक है। और पॉलीप्लॉयडी में आपके ऑटो पॉलीप्लॉयडी आते हैं, एलो पॉलीप्लॉयडी आते हैं, ऑटो एलो पॉलीप्लॉयड्स भी आते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको पता हैं फ्रेंड। तो चलिए अब हम लोग आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या होता है 2 वाला, तो दी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस फ्रॉम अ मैरिज हैव ओनली ओ आर ए ब्लड ग्रुप्स, कि जो है एक मैरिज हुई तो उसमें जो पेरेंट के बच्चे हुए, ऑफस्प्रिंग हुए, उसमें क्या हुआ कि जो है उनका जो ब्लड ग्रुप है सिर्फ ओ या ए है उसमें, ओके, यानी कि बी एब्सेंट है, ए बी भी नहीं है। Of the genotypes given below, the possible genotypes of the parent would be, तो अब यहाँ पे पेरेंट का जीनोटाइप पता करना है, बच्चों का बता दिया गया है यहाँ पे, ओके, तो अब यहाँ पे बताया है कि पेरेंट का क्या होगा पॉसिबल जीनोटाइप, तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे ये जो है 2 है उसका हमारे पास देख लेते हैं, ए यहाँ पे आई करके शो कर रहा जाता है, तो इसलिए मैं आपको सिर्फ बता देती हूँ ऐसे ही, IA एंड IA IO, फिर है आपका बी में IO IO एंड IO IO, फिर सी है IA IA एंड IO IO, एंड डी है IA IO एंड IO IO। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो डी हो जाएगा, और ये आप देख कर भी पता लगा सकते हैं। अगर हम इसको क्रॉस चेक करना चाहें तो हम इसको चेक कर लेते हैं, अभी यहीं पे चेक कर लेते हैं, हम इसके लिए क्या करेंगे, हम इसके लिए ए ओ, फिर इसकी क्रॉसिंग किससे करा देंगे, हम इसकी क्रॉसिंग करा देंगे ओ से, ठीक है, ओ से करा देते हैं, और यहाँ पे फिर हम इसको देखेंगे कि क्या मिलता है, यहाँ पे मिला ए ओ, देन यहाँ पे मिला ए ओ, फिर यहाँ पे मिला सिर्फ ओ ओ, और यहाँ पे मिला ओनली ओ
ओ। तो देखिए यहाँ पे हम अब इससे आपको क्या पता चला, ये ए ओ है या ज़ीरो है। तो आप यहाँ पे जो ब्लड ग्रुप होगा वो क्या होगा, एक बच्चे का ए होगा, फिर ए होगा, ओ को तो काउंट करेंगे नहीं, और जो डो ओ है उसको आप क्या काउंट करेंगे, ओ ओ। तो इस तरीके से आपको जो आपने क्रॉस उसको चेक कर लिया कि जो ऑफस्प्रिंग थी वो ए ओ, वो तभी पैदा होगी जब पेरेंट जो हैं वो ए और ओ वाले ब्लड ग्रुप के होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन विद ब्लड ग्रुप ए कैन बी गिवन ब्लड ऑफ विच ग्रुप। तो अब पूछा जा रहा है कि किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है तो वो किसको ब्लड डोनेट कर सकता है। तो अब ऑप्शन है हमारे पास ए, ए एंड बी, फिर बी है बी एंड ओ, सी ए एंड ओ, एंड डी है ए बी, ए बी एंड ओ। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे जो अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो वो किसको दे सकता है। तो आपको पता है फ्रेंड कि एक ऐसा ब्लड ग्रुप है जो जो अगर यूनिवर्सल डोनर की बात करें, अगर हम लोग कि यूनिवर्सल डोनर कौन होता है ब्लड ग्रुप में, यूनिवर्सल डोनर जो है वो होता है आपका ओ। ओके, जो ओ ब्लड ग्रुप होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है। और अगर यूनिवर्सल रेसिपिएंट की बात करें, ठीक है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट की बात करें यानी कि जो ले सकता है रेसिपिएंट, तो वो आपको पता है कि वो ए बी होता है। ए बी ब्लड ग्रुप वाले लोग यूनिवर्सल रेसिपिएंट होते हैं। अब यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन है वो क्या करेक्ट हो जाएगा, थर्ड का सी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कि अब यहाँ पे देखिए कोई भी पर्सन जिसका ब्लड ग्रुप ए है वो क्या कर सकता है, वो ब्लड जो है किस कैन बी गिवन ब्लड ऑफ विच ग्रुप। तो सी में यहाँ पे देख लीजिए ए को दे सकता है, ए है तो वो अपना ए को दे सकता है, और उसके बाद फिर आपका यहाँ पे ओ है। तो ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं फोर्थ वाला। फोर्थ है हमारे पास अ पर्सन हैविंग, एक मिनट फ्रेंड थोड़ा वेट करिएगा। देखिए हाँ, ये है हमारे पास अ पर्सन हैविंग ब्लड ग्रुप ओ कैन रिसीव द ब्लड ऑफ ए है ग्रुप ओ बी एंड ए बी, बी ग्रुप ए बी एंड ए बी, फिर सी ऑप्शन है ग्रुप बी एंड ए बी, डी ऑप्शन है ग्रुप ओ ओनली। तो अब यहाँ पे देखिए इसके पास जो है ओ ब्लड ग्रुप है तो ये किससे किससे रिसीव कर सकता है। तो यहाँ पे जो हमारे पास जो ऑप्शन हो जाएगा फोर का वो क्या हो जाएगा, ये ओ वाला सिर्फ ओ से ही ब्लड को रिसीव कर सकता है, यानी कि ओ वाले ब्लड ग्रुप वाले पर्सन को सिर्फ ओ ब्लड ग्रुप वाला ही ब्लड दे सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास, और फ्रेंड आपको पता है ये भी पता होगा कि ये क्यों ऐसा होता है कि किसी और का ब्लड नहीं ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि जो होता क्या है कि जो एंटीजन जो होते हैं फिर उसके बाद फिर क्या होता है, एंटीबॉडीज़ बनने लगती हैं और फिर क्लंपिंग हो जाती है ब्लड की, ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स ब्लॉक हो जाती हैं और फिर आदमी की डेथ भी हो सकती है। इसीलिए ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के टाइम पर ब्लड ग्रुप ज़रूर चेक किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, When red blood corpuscles containing both A and B antigens are mixed with your blood serum, they agglutinate. Hence your blood group is. तो अब टाइप बताना है, ए बी, बी है ओ, सी ऑप्शन है ए एंड डी ऑप्शन है बी। तो ये कहा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है कि जब रेड ब्लड कॉर्पसल्स जिसमें कि ए और बी दोनों एंटीजेंस होते हैं, जब उसको ब्लड सीरम के साथ मिक्स किया जाता है तो वो एग्लूटिनेट हो जाते हैं। तो अब उससे आपको बताना है कि ब्लड ग्रुप का टाइप कौन सा है। तो अब हमारे पास जो ऑप्शन है वो आपने देख लिया है, अब यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो देख लेते हैं, वो क्या है, बी, यानी कि ओ ब्लड ग्रुप, यानी कि वो जो ब्लड ग्रुप है वो ओ है। ओ में अगर ए बी वाला जो है आपका जो ब्लड ग्रुप है वो अगर मिक्स कर दिया जाए ब्लड, तो क्या होगा, एग्लूटिनेशन हो जाएगा, क्लंपिंग होने लगेगी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन है इसका, यूनिवर्सल डोनर्स हैव नो एंटीजेंस इन RBCs एंड हैव बोथ ए एंड बी एंटीबॉडीज, दे बिलोंग टू दी ब्लड ग्रुप्स। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए है ए, बी बी, सी है ए बी एंड डी है ओ। तो अब सबसे पहले इसका आंसर बता देते हैं कि यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे है इसका आंसर डी यानी कि ओ। तो जो यूनिवर्सल डोनर होता है फ्रेंड,
ठीक है, यूनिवर्सल डोनर जो होता है उनकी जो ब्लड ग्रुप होता है वो ओ होता है, अभी मैंने जस्ट बताया। और ये कहते हैं, बता रहे हैं कि जो उनमें जो एंटीजेंस होते हैं उनकी आरबीसीज में कोई एंटीजेंस नहीं होते हैं, लेकिन उनमें एंटीबॉडीज़ जो है वो दोनों होती हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि यूनिवर्सल डोनर ओ में एंटीबॉडीज़ जो है वो दोनों होंगी, लेकिन एंटीजन कोई नहीं होगा, ज़ीरो होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है सेवन्थ वाला फ्रेंड, उसको देखते हैं। पर्सन ऑफ ब्लड ग्रुप ए कंटेन्स, ए ब्लड ग्रुप जिसमें है उसमें क्या होता है? ऑप्शन ए एंटीजन ए एंड एंटीबॉडीज बी, फिर बी है एंटीजन ए एंटीबॉडीज ए, सी एंटीजन ए एंड बी एंड नो एंटीबॉडीज, फिर डी है नो एंटीजन एंड बोथ ए एंड बी एंटीबॉडीज। तो यहाँ पे देखते हैं फ्रेंड हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे सेवन का ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जो ब्लड ग्रुप ए होगा जिसका उसमें एंटीजन ए होगा और एंटीबॉडी बी होगी। ओके, जो ब्लड ग्रुप है वही एंटीजन है। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे कि ब्लड ग्रुप एट्थ वाला ब्लड ग्रुप एग्लूटिनोजन इज, तो अब यहाँ पे ऑप्शन है ए ग्लाइकोप्रोटीन, बी फॉस्फोप्रोटीन, सी हीमोप्रोटीन एंड डी है फॉस्फोलिपिड। तो ब्लड ग्रुप एंड एग्लूटिनोजन कौन सा होता है, क्या होता है वो, उसका नेचर क्या होता है? तो ऑप्शन है हमारे पास जो एट का वो करेक्ट हो जाएगा, ए ये ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। ओके, चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट है हमारे पास डोनर्स एंड रेसिपिएंट्स इन अ ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रोसेस कैन बी, ऑप्शन ए ओनली फादर एंड सन, बी ओनली द ब्रदर एंड सिस्टर, सी ओनली मैटरनल अंकल एंड नीस एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए फ्रेंड, डोनर और रेसिपिएंट कोई भी हो सकता है। ओके, और इसमें जो है किसी रिलेशन से होने की कोई बात नहीं है, कोई अननोन पर्सन भी जिसका ब्लड ग्रुप अच्छा है, जिसका ब्लड जो है वो मैच कर रहा है, वो ब्लड डोनेट कर सकता है। तो यहाँ पर जो डी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है टेंथ, आरएच फैक्टर इज प्रेजेंट इन, आरएच फैक्टर जो प्रेजेंट होता है ऑप्शन ए ऑल वर्टिब्रेट्स, बी ऑल मैमल्स, सी ऑल रेप्टाइल्स एंड जो डी है वो मैन एंड रीसस मंकी ओनली। तो देखिए यहाँ पे जो टेंथ वाला जो ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, डी मैन एंड रीसस मंकी ओनली करेक्ट है। अब आपको पता है आरएच फैक्टर क्या है, आरएच फैक्टर को रीसस फैक्टर भी कहते हैं, और ये जैसे कहते हैं ना आरएच पॉजिटिव, अगर ब्लड ग्रुप पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव है आरएच पॉजिटिव है, या ए पॉजिटिव है तो आरएच पॉजिटिव है, ऐसे बोला जाता है। अगर नहीं है वो फैक्टर अब्सेंट है तो कह रहेंगे आरएच निगेटिव है। और जो है अब नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे देख लेते हैं, इलेवेंथ वाला ये है, विच ब्लड ग्रुप कैन बी गिवन टू पेशेंट्स ऑफ एनी ब्लड ग्रुप, ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जो किसी भी ब्लड ग्रुप के पेशेंट को दिया जा सकता है? ऑप्शन ए ओ, बी है ए सी बी एंड डी है ए बी। तो देखिए यहाँ पे जो इलेवेंथ वाला है उसका हमारे पास ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हेरिडिटरी कैरेक्टर ऑफ ब्लड, ब्लड का हेरिडिटरी कैरेक्टर क्या है, जो एक जो जो पेरेंट से वो जो है ऑफस्प्रिंग में या बच्चों में जाता है, ट्रांसफर होता है। ऑप्शन ए ब्लड ग्रुप, बी हीम, सी न्यूक्लियस एंड डी नन ऑफ द अबव। तो देखिए यहाँ पे जो हमारे पास ट्वेल्थ है वो उसका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये स्टार क्वेश्चन है। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे थर्टीन यहाँ पे देखते हैं, a person having genotype a and b would show the blood group as ab, this is because option a pleiotropy, b codominance, c segregation and d है incomplete dominance। तो यहाँ पे देखिए जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, codominance। ठीक है, जो ब्लड ग्रुप होता है वो codominance भी शो करता है, मल्टीपल एलिज्म भी शो करता है, ABO ब्लड ग्रुप और codominance। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है फोर्टीन्थ में है, अ वुमेन विद ब्लड ग्रुप ओ हैज़ अ चाइल्ड विद ब्लड ग्रुप ओ, एक वुमेन है जिसका ब्लड ग्रुप ओ है, उसका बच्चा भी है, उसका भी ब्लड ग्रुप ओ है, शी क्लेम्स दैट अ मैन विद ब्लड ग्रुप ए एज द फादर ऑफ हर चाइल्ड। वो कह रही है, एक आदमी को बता रही है जिसका ब्लड ग्रुप ए है और उसको कह रही है कि वो उसका फादर है। वॉट वुड बी द जीनोटाइप ऑफ द फादर इट हर क्लेम्स इज राइट। तो अब वो कह रहे हैं कि उस फादर का जीनोटाइप क्या होगा इफ़ हर क्लेम इज़ राइट, अगर उसका क्लेम या दावा सही है। तो अब फादर का बताना है, ठीक है, यहाँ पे मदर का और बच्चे का दे दिया है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन ए है ओ ओ, फिर बी है ए बी और सी जो है वो ए ओ
और जो डी है वो बी होगा। तो अब देखिए, अब यहाँ पे अगर बच्चा जो है वो ओ है और माँ भी ओ है और फादर का बताना है, तो यहाँ पे जो फादर का क्या हो सकता है, अगर वो ए बता रही हैं तो यहाँ पे बस यही पॉसिबिलिटी है कि ये सी वाला ऑप्शन होगा, यानी कि ए होगा, यानी आई ए और आई ओ, यही हो सकता है और कोई नहीं हो सकता है। क्योंकि आई जब ए और ओ का जब क्रॉस होता है, ठीक है, उसके बाद ही ओ ऑफस्प्रिंग के बच्चे या ए ऑफस्प्रिंग के बच्चे बनते हैं, ए जो है ब्लड ग्रुप के बच्चे मिलेंगे या ओ ब्लड ग्रुप और ए ब्लड ग्रुप। 15th है हमारे पास, मदर एंड फादर ऑफ पर्सन विद ओ ब्लड ग्रुप हैव ए एंड बी ब्लड ग्रुप रिस्पेक्टिवली। कह रहे हैं कि एक मदर और फादर है, ठीक है, एक मदर और फादर हैं और में क्या है कि जो ओ ब्लड ग्रुप है और हैव ए एंड बी ब्लड ग्रुप। तो अब यहाँ पे देखिए, एक मिनट फ्रेंड रुक जाइए, हाँ 15 को फिर से देख लेते हैं। मदर एंड फादर ऑफ अ पर्सन विद ओ ब्लड ग्रुप हैव ए एंड बी ब्लड ग्रुप रिस्पेक्टिवली, व्हाट वुड बी द जीनोटाइप ऑफ बोथ मदर एंड फादर। जी बिल्कुल, अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जो ओ ब्लड ग्रुप है किसी पर्सन का और उसमें जो है ए और बी ब्लड ग्रुप के मदर एंड फादर हैं, तो अब रिस्पेक्टिवली मतलब जो मदर का है वो ए है और फादर का जो बी है, तो अब बताना है कि जो मदर और फादर का जीनोटाइप क्या होगा। अब ऑप्शन हम देख लेते हैं यहाँ पे, मदर इज होमोजाइगस फॉर ए ब्लड ग्रुप एंड फादर इज हेटरोजाइगस फॉर बी। फिर कह रहे हैं बी, मदर इज हेटरोजाइगस फॉर ए ब्लड ग्रुप एंड फादर इज होमोजाइगस फॉर बी। एंड सी वाला ऑप्शन है, बोथ मदर एंड फादर आर हेटरोजाइगस फॉर ए एंड बी ब्लड ग्रुप रिस्पेक्टिवली। एंड जो डी है वो है, बोथ मदर एंड फादर आर होमोजाइगस फॉर ए एंड बी ब्लड ग्रुप रिस्पेक्टिवली। तो देखिए यहाँ पे जो हमारे पास 15th का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड, वो क्या हो जाएगा, वो यहाँ पे सी हो जाएगा। ये जो कंडीशन दी हुई है उसमें जो मदर और फादर जो होंगे वो दोनों ही हेटरोजाइगस होंगे ए के लिए, और जो बी ब्लड ग्रुप होगा, ठीक है, एंड ए और बी ब्लड ग्रुप होगा उनका रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन मदर और फादर दोनों ही हेटरोजाइगस होंगे। ओके, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 16th क्वेश्चन। 16th में है हमारे पास, अ मैन विद ब्लड ग्रुप ए बी मैरीज अ वूमेन विद ओ ब्लड ग्रुप। एक मैन है जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है, वो ओ ब्लड ग्रुप की वुमेन के साथ मैरी करता है, शादी करता है। इन दिस सिचुएशन ऑप्शन ए, द ब्लड ग्रुप्स ऑफ देयर चिल्ड्रन विल बी द सेम एज दैट ऑफ मदर, कि उनके जो चिल्ड्रन का जो ब्लड ग्रुप होगा वो माँ के समान होगा। बी है, द ब्लड ग्रुप ऑफ द चिल्ड्रन डिफर्स फ्रॉम बोथ द पेरेंट्स। अब जो चिल्ड्रन का ब्लड ग्रुप है वो दोनों ही पेरेंट्स से डिफर हो जाएगा, कुछ और ही तीसरा आ जाएगा। फिर सी है यहाँ पे, वाइल 50% ऑफ चिल्ड्रन विल हैव द फादर्स ब्लड ग्रुप, द रिमेनिंग विल हैव द मदर्स ब्लड ग्रुप। एंड डी है, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे देख लीजिए फ्रेंड, 16 का यहाँ पे जो बी है वो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो ब्लड ग्रुप होंगे चिल्ड्रन के वो क्या होंगे, वो यहाँ पे बी वाला जो है हमारे पास, द ब्लड ग्रुप ऑफ द चिल्ड्रन वो उनके पेरेंट्स से डिफर हो जाएगा, ठीक है। और इसको आप यहाँ पे क्रॉस चेक करके भी देख सॉरी फ्रेंड, यहाँ पे जो ऑप्शन है वो जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। ओके, मैं डिफर कर रहा था इसलिए मैं सोच रही थी कि कुछ और होगा, लेकिन यहाँ पे हम इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो मैन है उसका ए बी है। अब यहीं पे देख लेते हैं, ए बी है और इसमें जो मदर है उनका ओ है, तो यहीं पे जैसे मैंने आपको क्रॉस चेक करने के लिए चेकिंग बताई थी वो ऐसे कर सकते हैं आप। यहाँ पे बता देती हूँ मैं, ए बी फिर से देख लीजिए, ए बी और ओ है, और यहाँ पे कैसे पता करते हैं, ए ओ फिर उसके बाद यहाँ पे ए ओ एंड यहाँ पे देखिए बी ओ एंड देन यहाँ पे बी ओ। तो बिल्कुल इन्होंने जो ऑप्शन बी चूज़ किया हुआ है वो बिल्कुल करेक्ट है, कि यहाँ पे जो बच्चे हैं वो किसी और ही ब्लड ग्रुप के हो गए हैं, जैसे कि पेरेंट में जो इनके मैन का यानी पापा का जो ब्लड ग्रुप था ए बी है, तो देखिए किसी भी बच्चे में ए बी ब्लड ग्रुप नहीं है, और जो मम्मी थी उनका ब्लड ग्रुप ओ था, तो देखिए किसी बच्चे में ओ ब्लड ग्रुप नहीं आएगा। बच्चों में ब्लड ग्रुप कितना आया अगर हम यहाँ पे देख के बात करें, तो 50% आपके जो होंगे वो ए ब्लड ग्रुप के होंगे और जो 50% होंगे वो बी ब्लड ग्रुप के होंगे। चलिए यहाँ पे हमने इसको वेरीफाई भी कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया के बारे में फ्रेंड मैंने इसके पहले जो लेक्चर हुआ है मेरा वो देखिएगा, उसमें मैंने डिटेल में बता दिया है उसमें कि जो आरबीसीज होती हैं बाई कॉनकेव शेप से जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो सिकल सेल या हंसिया के शेप की हो जाती हैं।
ओके नाउ नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो देख लेते हैं. ए इट कैन नॉट बी ट्रीटेड विद आयरन सप्लीमेंट्स. बी इट इज़ अ मॉलिक्यूलर डिजीज. सी इट कॉन्फर्स रेजिस्टेंस टू एक्वायरिंग मलेरिया. एंड डी ऑल ऑफ द अबव. तो यहाँ पे सेवनटीन का हमारे पास डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो चुका है कि इसमें क्या होता है, इसको आयरन सप्लीमेंट से ट्रीट नहीं किया जा सकता है. और यहाँ पे जो ये होती है ये एक मॉलिक्यूलर डिजीज़ भी होती है, बिल्कुल करेक्ट है. और इसमें क्या होता है, ये मलेरिया के लिए जो है वो एक रेजिस्टेंस एक्वायर कर लेती है. ओके तो यहाँ पे हमारे पास ये जो डी ऑप्शन था बिल्कुल करेक्ट हो चुका है. फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे आज का आपका लेक्चर एंड हो गया है और इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं. जैसा कि मैं आपको बताती हूँ कि क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं फ्रेंड, एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं. तो आप इसको प्लीज़ प्रिपेयर करिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा. यूट्यूब का जो चैनल है मेरा रोही एडुकेटर का, और मेरे फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन करिएगा जहाँ से आपको बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी. मैं यूट्यूब पर शॉर्ट्स वीडियो भी डाल रही हूँ जिसमें मैं प्लांट्स के बारे में बताती हूँ, उसकी जो इंपॉर्टेंस होती है. और अभी मैं स्पाइसेस के बारे में भी बता रही हूँ कि इसमें क्या मेन उसका केमिकल होता है, क्या किस लिए वही मेडिसिनल वैल्यू क्या है जो हम लोग इकोनॉमिक बॉटनी में पढ़ते हैं. प्लस DSSB 2018 का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है वो पूरा भी अपलोड हो चुका है. तो बहुत सारी चीज़ें हैं, यू हैव टू स्टडी मोर एंड मोर. तो चलिए, थैंक यू सो मच.